हे दोस्तों, आपकी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत सारे झगड़े होते हैं। हर दिन कोई ना किसी बात पे लड़ाई हो जाती है और शायद आपके ऐसे भी चांस बन जाते हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाए। वहीं आपका दोस्त जो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसके कोई भी झगड़े नहीं होते। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? ये क्यों होता है कि दूसरे कपल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक साथ, उनका रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम चलता है और हमारा शॉर्ट टाइम? क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में कुछ गलतियाँ होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ऐसे दो पॉइंट बताऊंगा जो शायद आपको ये गलतियां नहीं करनी है, और भाई इससे आपका रिलेशनशिप शायद बहुत लंबा चलेगा और लड़की को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को सीक्रेट मत बताओ। दोस्तों, आपने सभी को कहते ये सुना होगा कि अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपनी गर्लफ्रेंड से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ यार, मैं भी यही बोलता हूँ कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज आप उससे झूठ बोलोगे तो कल उसे सच्चाई का पता लगेगा, तब भाई बहुत बुरा होगा और उसे बहुत बुरा फील भी होगा। लेकिन यार, अगर आप सच बोलते हो तो उसे अच्छा लगेगा और उसे बाद में आपकी सच्चाई का पता लगेगा, तब उसे बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन यार, ये सीक्रेट बातें कुछ ऐसी होती है ना कि हमारी गर्लफ्रेंड को पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो फीमेल होती है ना कभी कोई ना कोई बात ऐसी जगह बोल देती हैं जहां नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण बोलता हूं, जैसे कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और उसकी फ्रेंड के दो बॉयफ्रेंड है, ठीक है, ये बात मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं पता है। और अगर ये बात मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता हूं कि यार तुम्हारी फ्रेंड के ना दो बॉयफ्रेंड हैं और वो दोनों को चीट कर रही है, अब मैंने तो ये बात उससे सिर्फ ऐसे ही बोल दी थी, ठीक है, अब मेरी गर्लफ्रेंड जाएगी अपनी फ्रेंड के पास और कभी ना कभी ये बात जरूर बोलेगी कि यार तेरे दो बॉयफ्रेंड हैं, मुझे कल ही पता चला और तू दोनों को चीट भी कर रही है। अब वो ये बात जरूर पूछेगी आपसे किसने कहा, तब भाई वो मेरा नाम लेगी, और जब वो मेरा नाम लेगी तो उसकी गर्ल उसकी जो फ्रेंड है वो हमेशा मुझसे नफरत करने लगेगी कि यार ये तो सच है ना, जब मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ तो वो भी मेरी बुराई करेगी ना, तो भाई जाहिर सी बात है तब भाई वो मेरे बारे में कुछ गलत ही बोलेगी, और जब वो मेरे बारे में गलत बोलेगी तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसे भी मेरे बारे में गलत ही फील होगा, और भाई इससे क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप में दूरियाँ पैदा होने लगेगी। तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप अपने सीक्रेट को शेयर मत करो, झूठ मत बोलो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी सीक्रेट को शेयर मत करो। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है रोमांटिक अंदाज। देखो यार दोस्तों, जैसे कि हम लड़कों को रोमांस करना बहुत अच्छा लगता है, रोमांटिक बातें करना बहुत पसंद होता है, वैसे यार लड़कियों को भी ये सब बहुत पसंद होता है, लेकिन यार वो थोड़ा छुपा के रखती हैं, वो किसी को दिखाती नहीं है, लेकिन उन्हें हमसे ज़्यादा ये चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन जब भी आप किसी लड़की को रोमांटिक बातें करते हो, उसके साथ रोमांस करते हो, तब आपका रिलेशनशिप लंबे चलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपके पास आ चुकी होती है पूरी तरीके से, उसे पता होता है कि मुझे इस लड़के के साथ आगे तक रहना है। लेकिन यार प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हमेशा ही आप उसके पीछे पड़ जाते हो इसी चीज़ को लेके। जैसे कि मान लो लड़की अभी घर से आई है और आपको पता है कि वो आपके पास आ रही है, लेकिन आप उसके बारे में पहले पूछने के बजाय डायरेक्ट आप उससे रोमांस करना स्टार्ट कर देते हो, उससे रोमांटिक बातें करना स्टार्ट कर देते हो, या फ़ोन पे भी आप ऐसा ही करते हो, फ़ोन पे रोमांटिक बातें स्टार्ट कर देते हो। लेकिन भाई प्रॉब्लम यही तो है, आपको पहले उसका मूड चेक करना चाहिए, आपको थोड़ी उससे बातें करनी चाहिए कि उसका मूड कैसा है, वो खुश है इस वक्त या नहीं है। क्या होता है कभी कभी उसको ऑफिस से टेंशन होती है, स्कूल से टेंशन होती है, कॉलेज से टेंशन होती है, या फिर उसकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और आप उससे रोमांटिक बातें करना स्टार्ट कर देते हो, यार इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपको पहले उसका मूड चेक करना है, तब रोमांटिक बातें करना है, इससे आपका रिलेशनशिप लंबा चलेगा और आपके झगड़े भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको दोनों बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको कभी भी गर्लफ्रेंड को सीक्रेट नहीं बताना है और समय देख के उसके साथ रोमांटिक होना है। भाई अगर ये दोनों बातों को आप फॉलो करते हो तो भाई आप के ब्रेकअप होने के चांस बिल्कुल ही जीरो हो सकते हैं, और भाई आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि भाई इन दोनों ही वजह से लड़कों के ज़्यादा झगड़े होते हैं लड़कियों के साथ में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो यार। धन्यवाद।